जयपुर में आईजीएस संघ थियर के निर्देश पर नकली नोटों की खेप बरामद की गई है। इस दौरान आरोपियों से 200 और 500 के करीब 6 लाख रुपए के नकली नोट बरामद किए गए हैं। पुलिस के मुताबिक नीम का थाना इलाके में पहले 2 व्यक्तियों को दबोचा, जिनमें से करीब 50,000 के नकली नोट पाए गए। पूछताछ के बाद पुलिस ने मालवीय नगर और मानसरोवर में छापा मारा। प्रारंभिक जांच में सामने ये भी आया है कि आरोपी यूपी से नकली नोटों की खेप लेकर आए थे। फिलहाल पुलिस सभी आरोपियों से पूछताछ कर मामले की जाँच में जुट गई है। हमें सूचना मिली थी कि चला नीम का थाना सदर इलाके में 2 व्यक्ति हैं और वो कुछ नोट चला रहे हैं और संभवतः वो नकली है। इस सूचना के ऊपर सदर नीम का थाना टीम ने SHO मनीष शर्मा और उनकी टीम ने कार्रवाई करते हुए दोनों को पकड़ा, जिनके पास से 42,500 रुपये के नोट मिले। जिनसे पूछताछ की तो उन्होंने नकली होना बताया और करीब 15,000 रुपये देकर उसके बदले में 50,000 रुपये लाना बताया था, जिनमें से 15 नोट यानी 7,500 वो चला चुके थे, कहीं अलग अलग जगहों पे चला चुके थे। 42,500 उनके मिले, उनको देखा, देखने से और प्राइमा फेसिया कि उनके अंदर जो स्ट्रिप थी उस पर RBI अंकित नहीं था, वाटरमार्क प्रॉपर नहीं था, उनके एम्बोज प्रिंटिंग नहीं थी, कागज़ जो है असली नोट से मिलाया वैसा नहीं था। फिर बैंक अधिकारी से बुला के उनसे भी हमने पूछा, उन्होंने भी प्राइमा फेसिया देखते ही बताया कि साहब नकली है। उसके बाद उनके कार्रवाई की, उनको अरेस्ट किया।